नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। एमपी में धर्मांतरण मिशन स्कूल में चल रही थी धर्म सभा, हिंदुवादी संगठन के हंगामे के बाद सभी को लाया थाने। मध्य प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। मिशन स्कूल में धर्मांतरण और धर्म सभा की सूचना पर हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के लोग स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को थाने ले आई। थाने में पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर इलाके में स्थित मिशनरी स्कूल में मसीही धर्म सभा चल रही थी। धर्म सभा में आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों हिंदू लोग शामिल थे। सूचना पर बजरंग दल और हिंदू समुदाय के लोग स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, तब धर्म सभा रुकी। मिशनरी के लोगों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। स्कूल के सभी कमरों से लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म सभा में शामिल लोगों और मिशनरी के लोगों को थाने आई। धर्म सभा में शामिल लोगों का कहना है कि वो अपनी मर्जी से धर्म सभा में जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से धर्म सभा जारी थी। समाचार के लिखे जाने तक पुलिस अधिकारी बजरंग दल और मिशनरी के लोगों से चर्चा जारी थी। भोपाल से कबूल चंद प्रजापति की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए सीआईडी न्यूज के साथ।